तो कड़ा वाला गोश्त बनाने के लिए हमने ये लिया है आधा किलो गोश्त बड़े का। तो आप इसे अगर कड़ा वाला गोश्त बनाने जा रहे हैं तो आप इसको बड़े के गोश्त में ही बनाइएगा, क्योंकि ये मटन में जो है उतना टेस्टी नहीं बनता है जितना कि ये बड़े के गोश्त में बनता है। तो ये आधा किलो गोश्त है हमारा, और ये 3 से 4 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए हैं जिन्होंने हमने बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद ये हमारा अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 टीस्पून, और ये लहसुन का पेस्ट है 1/2 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून या आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं नमक, और ये 2 टीस्पून है हमारा लाल मिर्च, इसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी 4 टीस्पून हल्दी है, उसका पाउडर है ये, और ये 100 ग्राम हमने लिया है दही। अगर आपका दही खट्टा हो तो आप इसे कम लीजिएगा, अगर आपका दही मीठा हो तो आप इसे थोड़ी आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, जिसे हमने भून के और इसे दरदरा पीस लिया है, और 2 टीस्पून हमने सौंफ ली है, इसको भी हमने दरदरा पीस लिया है भून के। और यहाँ पे हमारा जो गरम मसाला है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 हमने बड़ी इलायची ली हैं और 7 से 8 हरी इलायची हैं, फिर 7 से 8 हमने लौंगे भी ली हैं, और ये हमारी दालचीनी का टुकड़ा है कब तकरीबन 1.5 से 2, और जावित्री है 10 से 15, हमने ये काली मिर्च ली है। तो ये मेरा इतना गरम मसाला है जो हम इसको डालने वाले हैं उसमें कढ़ाव वाले गोश्त में। तो ये सारा मसाला हम आपको एक बार से फिर से दिखा देते हैं, और अब हम इसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बोल, और उस पर हम अपना सारा दही डाल देंगे, और इसमें जो है जो हमारा पाउडर था हल्दी का उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, वो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी पाउडर का वो अलग से ना रहे और पूरा मिक्स हो जाए सही से। तो ये हमने इसको पेस्ट बना लिया है, देखिए अच्छे से एकदम पेस्ट तैयार हो गया है हमारा। और मेन चीज़ इसकी यही होती है क्योंकि इसी से इसका मसाला बनता है, तो आप इसका ख्याल रखिएगा कि ये जो क्वांटिटी बताई है वो इसी तरह होनी चाहिए इसकी, क्योंकि इस कढ़ाव वाले गोश्त की खासियत ही ये इसका दही और हल्दी में पकाना है। तो यहाँ एक कुकर में हमने ऑयल चढ़ा दिया है, ये हमारा सरसों का तेल है। आप कढ़ाव वाला गोश्त बनाने के लिए सरसों का तेल ही इस्तेमाल करिए क्योंकि ये इसमें ही मज़ेदार बनता है। तो अब हमारा तेल गर्म होने पे आ गया है, और ये तेल हमने आधा किलो गोश्त में तकरीबन 200 ग्राम लिया है। तो अब मेरा ऑयल जो है गर्म होने पे आ गया, अब हम इसमें डायरेक्ट हल्दी और दही का पेस्ट डालेंगे। चलो तो देखिए ये ऐसा हो गया है डालने के बाद, सब डाल दिया है, और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इससे हल्दी की जो खुशबू आती है वो हल्दी की खुशबू आना बंद ना हो जाए। हमारी हल्दी भुन चुकी है और इसमें खुशबू आने लगी है, हल्दी की वाली खुशबू जा चुकी है, अब इसमें से रंग भी चेंज हो गया है। और हम इसमें गोश्त डालते हैं अपना, गोश्त का पानी मार लेंगे, भूनते रहेंगे थोड़ी देर।
अभी इसका पानी मर रहा है, अब देखिए थोड़ी देर तक इसमें पानी रहेगा, कि जब इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा तब हम इसमें अब बाकी का काम शुरू करेंगे। तो देखिए अब जो है गोश्त का पानी मर चुका है और इसमें तेल छोड़ दिया है अच्छी तरह से, तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये अदरक का पेस्ट है, और ये लहसुन का पेस्ट है, तो इसको डाल के हम जब तक भूनेंगे जब तक इसकी खुशबू मर ना जाए, यानी कि इसमें से लहसुन अदरक की स्मेल आना बंद ना हो जाए। और इसी टाइम हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। अब भी हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी भून चुका है और इसमें फिर से तेल फूट चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो ये प्याज डाल दी हमने, अब इसे भी थोड़ा भून लेंगे और लाल मिर्च भी साथ ही डाले दे रहे हैं। और ये जो हमने भून के पीस के मसाला रखा था दरदरा प्लस वो सौंफ और जीरे का, तो वो भी हमने इसमें साथ ही डाल दिया है। अब इसे अच्छे से भून लेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट। तो ये हमारा भून चुका है प्याज, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे और 4 से 5 सीटी लगा देंगे। जब गोश्त हमारा जल जाएगा फिर उसके बाद का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो जब तक हमारा गोश्त गल रहा है तो तब तक हम ये जो है सारा मसाला पीस लेंगे महीन, सारा गरम मसाला हम पीस लेंगे महीन सा। मिक्सी के जार में डाल के इसे पीस लेंगे। देखते हैं गोश्त मेरा गला कि नहीं गला। तो गोश्त तो गल चुका है, अच्छी तरह गल चुका है। वापस डाल देते हैं इसको थोड़ा भून के हम इसमें शोरबा दे देंगे, जितना आपको शोरबा रखना है उसी हिसाब से इसमें पानी आप डाल देंगे भूनने के बाद। तो ये गोश्त भून के हमने शोरबा दे दिया इसमें, तो अब ये जो गरम मसाला हमने पीसा था वो इसमें ऊपर से ऐसे डाल देंगे और धीमी आंच पे रख के ज़रा 1 सेकंड या 5 सेकंड तक रख के फिर हम इसको बंद कर देंगे और गैस भी ऑफ कर देंगे, ताकि हमारी मसाले वाली गरम मसाले वाली खुशबू इसमें सालन में पूरी तरह से बस जाए। फिर इसके बाद हम इसमें इसको डिश आउट कर लेंगे। ये सालन अब मेरा तैयार हो चुका है, कढ़ाव वाला गोश्त, तो अब हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश पे बना है, तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, उसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपका कढ़ाव वाला गोश्त कैसा तैयार हुआ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।